Hello students, welcome to the channel. This is the video of class 8 science, and in this video we are going to discuss the chapter 14, which is some natural phenomena. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लाइटनिंग को समझा था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अर्थक्वेक. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ caused by a disturbance deep inside the earth crust. जब भी earth crust के नीचे कोई disturbance create होता है और उसकी वजह से हमारा जो surface है, crust का जो surface है, it start to shake and tremble, and this phenomenon is called as earthquake. Earthquake एक destructive natural event है जिसमें बहुत सारा नुकसान होता है. हमारे बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं. इसे लैंडस्लाइड भी आता है, फ्लड और सुनामी भी आ सकता है. इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इसमें बहुत सारी हमारे प्रॉपर्टी के का भी लॉस होता है और बहुत सारी जान भी इसमें चली जाती है. लाइक यू कैन सी हियर, दीज आर द some picture of the damage. These are the pictures showing the damage caused by the earthquake. ये कुछ pictures हैं, इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये पूरी road जो है वो crack होकर collapse हो चुकी है due to the earthquake. And यहाँ पर आप देख सकते हैं high waves caused by the earthquake under the seabed. Seabed पे earthquake आने से देखिए आप ये high waves दे सकते हैं जो sea shore से टकरा रही हैं, और इनको हम सुनामी बोलते हैं. सुनामी कब आती है? सुनामी का मतलब होता है स्टॉर्म वेव्स. बहुत ऊंची ऊंची लहरें समंदर में बनती हैं जो आकर समंदर के किनारों से टकराती हैं. ऐसा ये ऊंची लहरें क्यों बनती हैं? क्योंकि सी बेड में, ऑन द सी बेड जहाँ पर समंदर के अंदर जो सरफेस होता है वहाँ पर अर्थक्वेक आता है. इस वजह से जो वेव्स हैं वो बहुत स्टॉर्म एक बहुत ही विशाल रूप ले लेती हैं और आकर समंदर के किनारे टकराती हैं, और इससे बहुत सारे जान माल की जो है वो नुकसान होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का रीज़न क्या होता है, ये किस वजह से होता है, ये हम समझेंगे. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट इज़ नॉट वन पीस. जो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि इट इज़ फ्रैगमेंटेड इनटू मेनी प्लेट्स. लेकिन ये बहुत सारे पीसेस में क्या है, फ्रैगमेंटेड है, बटा हुआ है, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. एंड दीज प्लेट्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली. और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये लगातार मूव कर रही होती हैं. Now you can wonder how they are moving continuously. We feel they are fixed at place. आपको लगता होगा कि कैसे ये move कर रही हैं, ये तो एक जगह पर रुकी हुई सी लगती हैं. तो आप समझ सकते हैं by this. You know that our earth has been divided into three layers. आपके earth जो को तीन layer में divide किया गया है, जो innermost layer होता है and that is called core. ठीक है, जो कि सबसे अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो तो सॉलिड है, लेकिन उसके ऊपर जो कोर का सेकंड पार्ट है वो लिक्विड है. और कोर के ऊपर जो है वो जो बहुत चौड़ी सी लेयर है, बहुत बड़ी लेयर है, उसको हम बोलते हैं मैंटल. और सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. ओके, यू नो दैट आवर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट. तो ये जो मैंटल का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये मैंटल का जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसके बाद क्रस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो जो मैंटल का अपर मोस्ट लेयर होता है इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फियर. ये जो पार्ट ऑफ द अपर मैंटल होता है जो कि जस्ट क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फियर. और एस्थेनोस्फियर की ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे जो रॉक्स होती हैं दे आर
अबाउट टू मॉल्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वीक. ये बहुत ही वीक और सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर क्रस्ट है वो इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है. इट फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फियर, और इसी की वजह से हमारा क्रस्ट जो है वो एस्थेनोस्फियर पे फिक्स नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, बहुत ही स्लो, लेकिन वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. और क्योंकि ये जो हमारा क्रस्ट है वो एक सिंगल पीस में नहीं है, बल्कि कई सारे प्लेट्स के फॉर्म में है, पीसेस के फॉर्म में है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. और ये टेक्टोनिक प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. तो जब ये प्लेट्स फ्लोट करते हुए आपस में इंटरैक्ट करती हैं, ये तीन तरीके से आपस में इंटरैक्ट कर सकती हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एंड बोथ द प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं. और इन दिस पिक्चर यू कैन सी टू प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. यहाँ पर एक प्लेट जो है देखिए एक दूसरे के पास आ रही है, और एक प्लेट आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेट साइड बाई साइड मूव कर रही हैं. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्लेट्स के बीच में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. ठीक है, और जब ये इंटरेक्ट होती हैं तो आपस में लॉक होती हैं. ठीक है, और इनके इंटरेक्शन वाले पॉइंट पे, द पॉइंट वेयर दे इंटरेक्ट, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है. ठीक है, प्रेशर बिल्डअप होता है, और जब ये प्रेशर अचानक से वहाँ से रिलीज़ होता है तो फिर वो स्प्रेड आउट हो जाता है ऑन द क्रस्ट, और उसी की वजह से हमें एक सडन जर्क एंड ट्रेम्बलिंग या फिर शेकिंग फील होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं. ठीक है, और ये जो यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा वो चारों तरफ एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, और इसको हम सिस्मिक वेव बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड सिस्मिक वेव. ठीक है, और जहाँ से प्रेशर रिलीज़ होता है, जिस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू प्लेट से क्या होता है, प्रेशर रिलीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस. जहाँ इट मींस कि जहाँ से सिस्मिक वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्टिंग ऑफ सिस्मिक वे को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे. तो फोकस वो जगह है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये दो प्लेट हैं, टू प्लेट्स आर हियर एंड टू प्लेट्स आर इंटरैक्टिंग हियर, और दिस इज़ द प्लेस. यहाँ से सिस्मिक वेव्स क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं. यहीं पर प्रेशर बिल्डअप हुआ होगा, और जब अचानक से प्रेशर रिलीज हुआ है तो वो फिर एनर्जी जो है वो वेव्स के फॉर्म में क्या हो रही है, देखिए स्प्रेड आउट हो रही है. तो जिस जगह पर प्रेशर बिल्डअप हुआ था और वहाँ से सिस्मिक वेव जनरेट हुई है, उसको हम बोलेंगे फोकस. ये एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज़ द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक. ये अर्थक्वेक का क्या है, सेंटर है. ये वो जगह है जहाँ से एनर्जी, यानी कि अर्थक्वेक का जो एनर्जी है, सिस्मिक वेव है, वो जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है. और जस्ट इसके ऊपर, जस्ट एबव इट, फोकस के जस्ट ऊपर, आप अगर वर्टिकली ऊपर आते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर. ठीक है, द पॉइंट डायरेक्टली एबव द फोकस ऑन द सर्फेस, इट इज़ कॉल्ड एपी सेंटर. And the point within earth where rock under stress breaks, it is called focus. Now, the boundaries of the plates are weak zone and they are called seismic zone. तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर दो plates की boundary होंगी, जहाँ पर plates की boundary होंगी, वो weak zone होगा, और वहीं पर अर्थक्वेक के आने का खतरा होगा. तो इस जोन को हम फॉल्ट जोन या फिर सिस्मिक जोन कहते हैं.
अर्थक्वेक ऑफन अकर इन द सिस्मिक जोन. इसी जोन में अर्थक्वेक के आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. इंडिया में सिस्मिक जोन जो है वो कश्मीर, हिमालय, इंडो गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कच्छ, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और साउथ इंडिया में पाया जाता है. द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रेक्टर स्केल. अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड था, वो कितना पावरफुल था, इसको हम रिएक्टर स्केल पर मेज़र करते हैं. जब अगर मान लीजिए कि कोई अर्थक्वेक है और उसकी रीडिंग रिएक्टर स्केल पे 7.5 है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव. एंड सिस्मिक वेव को हम रिकॉर्ड करते हैं बाई एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. Here you can see the seismic zone of India. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो है, लाइट येलो जोन है, जोन वन है, मतलब ये सबसे लो रिस्क जोन है. जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर एंड जोन फाइव में डिवाइड किया गया है. और इससे आप देख सकते हैं कि जो जोन फाइव है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क की सिस्मिक जोन है, वहाँ पर अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है. And this is the picture of seismograph. Now we will talk about how can we protect us from the earthquake. जो भी buildings हम बना रहे हैं, अगर वो सिस्मिक जोन में आता है, वो एरिया जहाँ पे हम बिल्डिंग्स या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो वो बिल्डिंग क्या कर सके, अर्थक्वेक के ट्रिमोर को, झटकों को क्या कर सके, विदस्टैंड कर सके, वो उसको बर्दाश्त कर सके और कोलैप्स ना हो. मटेरियल लाइक मड, वुड एंड लाइट रूफ शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ हैवी मटेरियल्स. ऐसी जगह पे जहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हमें घरों को लाइट वेट चीज़ों से बनाना चाहिए. हैवी ऑब्जेक्ट लाइक कपबोर्ड, वाटर हीटर एक्सेट्रा शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन द वॉल. और जो भारी चीज़ें होती हैं, हैवी चीज़ें होती हैं, उन्हें दीवार से हमें स्टक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दीवार कोलैप्स होगी तो वो सारी चीज़ें भी उसके साथ गिरेंगी. ऑल बिल्डिंग शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट. और क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो पोल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें भी कोलैप्स होती हैं, तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट में आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है. तो आग को बुझाने के लिए हर बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए. अगर आप घर में हैं और अर्थक्वेक आता है तो व्हाट शुड यू डू, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड यू शुड हाइड योरसेल्फ अंडर अ टेबल. टेबल के नीचे हमें छुप जाना चाहिए. अगर आप बेड पे हैं, इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. अगर आप बेड पे हैं तो अपने सर को पिलो से प्रोटेक्ट कर लेंगे. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट विच मे फॉल ऑन यू. और उन सारी चीज़ों से दूर रहें जो आपके ऊपर गिर सकती हैं. अगर आप आउटडोर हैं, बाहर हैं और अर्थक्वेक फील होता है, तो ओपन एरिया को ढूंढिए और वहाँ जाने की कोशिश करिए. बिल्डिंग ट्री और पावर लाइन से दूर शेल्टर लीजिए. इफ़ यू आर इन अ कार और बस, आस्क द ड्राइवर टू स्लो डाउन एंड डोंट गेट आउट टिल द ट्रेमोर स्टॉप. अगर आप कार या बस में हैं तो ड्राइवर को बोलिए कि या वो व्हीकल को स्टॉप करके किनारे पर पेड़ और बिल्डिंग्स और पोल से दूर ओपन एरिया में खड़ा कर दें और वेट करें. डू नॉट बी पैनिक एंड डू नॉट रन ब्लाइंडली. और वी शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड टेक दिस स्टेप केयरफुली ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. So that's all for this video, and in the next video we'll talk about the next chapter of the next chapter, that is light. Till then, thank you, have a nice day.